So good morning comrades, this is Nyatum Doke back again. So this is another video on making of Indian constitution. So as I have promised that I will be helping you guys in completing entire polity within 10 days, but that doesn't mean that I will be uploading all the videos in 10 days because it is not possible because of your internet speed, lack of internet speed as you all know, and it is not possible for me to upload videos up to 3 hours in a row in a day, and you people will also get bored. So I am just indicating by doing this video, I am just trying to indicate that yes, it is possible to complete the polity section in 10 days. Jaise ki you people are seeing that in 15 minutes or 10 minutes, aap logo bata bata ke bhi I am completing a chapter in your 10-15 minutes. So you people might have understood that yes, it is possible to complete polity within 10 days if you read properly. See, I am doing just 20 minutes video and 1-2 chapters are getting completed. So if you read for 8 hours, it will get completed within 5-6 or 7 days by max. Thank you. So today we will be starting with making of the constitution. So first of all, the idea of constituent assembly was first put forwarded by M.N. Roy 1934 mein. And then 1935 mein, INC first time officially demanded constituent assembly 1935 mein. Iska baad, the demand was accepted by British government in what is known as August offer 1940 mein. August offer ka through se demand ko accept kiya tha. So and then again in 1942 Cripps mission aaya tha. Uska baad उसमें आके उसने ड्राफ्ट प्रपोजल रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ड्राफ्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए एक क्रिप्स मिशन ने 1942 में एक प्रपोजल लाया था, बट मुस्लिम लीग उसको रिजेक्ट कर दिया था. क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग. सो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट. सो कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the क्या था कैबिनेट मिशन प्लान. तो कैबिनेट मिशन का प्लान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वो हुआ था स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया था. उसके बाद उसमें क्या था कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पॉपुलेशन ऑफ दियर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन. Roughly one seat was to be allotted for every 1 million population. तो 1 million population के लिए एक सीट allot किया गया था. Representation क्या था? Population का base पे था. Proportionate representation जो बोलता है वो था. तो total strength कितना था? 398 था. तो 398 से आपका 93 were reserved for princely state, और उसमें से जो 296 बच गया उसमें 210 seats general के लिए था, 78 seat Muslims के लिए था, 4 सीट 6 के लिए था, एंड 4 जो है आपका चीफ कमिश्नर और प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व था. सो दिस वाज द स्ट्रेंथ एंड द डिवीजन ऑफ द सीट्स. सो इसके बाद मेथड क्या था? मेथड वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ऊपर बोला था जो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. उसके बाद जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट था बेसिकली प्रिंसली, और इसमें देखिए इन प्रोविंसेस द मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो लेजिस्लेटिव असेंबली का थ्रू से उसको जो मेंबर्स था प्रोविंस का उसको इलेक्ट करता था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था. तो प्रिंसली स्टेट्स मेथड ऑफ सिलेक्शन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन एंड कंसल्टेशन. तो इसमें मिक्स था, सम मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड, सम वेयर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. तो ऐसा आने से लिखना है. तो इसके बाद सम फैक्ट्स आर देयर, सो आई हैव चॉक्ड आउट दिस फैक्ट्स. तो देख लीजिए, सो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन 9 December 1946 विच वॉज बॉयकॉटेड बाई मुस्लिम लीग. तो मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था. तो इसमें डॉक्टर सचिंद्र नंद सिन्हा जो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट था, देन लेटर राजेंद्र प्रसाद एंड एच सी मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली. दानंद सिन्हा वो था टेम्प्रोरी, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था परमानेंट जो प्रेसिडेंट. इसके बाद एच सी मुखर्जी था वाइस प्रेसिडेंट. इसके बाद बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एडवाइजर. लीगल एडवाइजर था बी एन राव. ऑन 26 July 1947 ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड. पाकिस्तान के लिए एक 1947 में जुलाई में
एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट किया एंड देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पाकिस्तान मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14 अगस्त 1947 जस्ट आज़ादी से एक दिन पहले बिफोर वन डे बिफोर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट पाकिस्तान का उसमें क्योंकि अलग बन चुका था आप जैसे देखा जुलाई में इसलिए पाकिस्तान का अलग से हुआ होगा सो ऑन 29 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ड्राफ्टिंग कमेटी अंदर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर तो बी आर अम्बेडकर के अंदर में ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट ऑन November 4, 1948 फर्स्ट रीडिंग हुआ उसमें सेकेंड रीडिंग ऑन November 15, 1948 दिस फैक्ट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए थर्ड रीडिंग ऑन 14 नवंबर 1947 तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पास ऑन 26 नवंबर 1949 दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम तब प्रीएम्बल में भी लिखा रहता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके बाद उसमें 284 मेंबर आउट ऑफ 299 साइंड 299 मेंबर था टोटली तो उससे 284 मेंबर साइन किया उसमें डॉक्यूमेंट में इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऑल मेंबर साइन तो ऑल मेंबर साइन नहीं किया क्योंकि किसी किसी का कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो उसने साइन नहीं किया सो इट वाज साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको साइन किया था उसके ऊपर उस मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सो द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 कॉन्टेंट ए प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स सो 8 शेड्यूल्स 395 आर्टिकल्स और एक प्रीएम्बल था उस समय जो कि ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है देखिए प्रोविजंस लाइक पार्लियामेंट इलेक्शन सिटीजनशिप्स वेर इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट सेम डेट November 26, 1949 तो ये सेम डेट से पार्लियामेंट इलेक्शन सिटीजनशिप ये सब का प्रोविजंस जो आ गया था कुछ अदर प्रोविजंस आपका उस डेट का बाद आया था कुछ प्रोविजन रिमेनिंग ऑन 26 जनवरी 1950 दिस डे वॉज चोजन बिकॉज ये दिन को क्यों चूज किया था क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था कहाँ में सेम डे 1930 में वो जो रिसोल्यूशन पास किया था लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू था 1929 में लाहौर सेशन में एक रिसोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का इसीलिए इस दिन को अपना सेलेक्ट किया उसका बाद कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ सेलियंट फीचर्स है तो इसमें इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है 742, 74, 73, 74 ये सबको देख लीजिए बाद में भी हम लोग भी देखेगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस नाउन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्योंकि बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें एक फीचर है कि लेंथियस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्यों बोलते हैं देख लीजिए क्योंकि बहुत सारा 395 से ज़्यादा आर्टिकल्स है 12 शेड्यूल्ड है 24 से ज़्यादा पार्ट है 24 पार्ट्स है तो इसीलिए इसको लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है लेकिन वन ऑफ द लेंथियस्ट नॉट द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सो इसका बाद ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस क्योंकि इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एस यू ऑल माइट नो बैग ऑफ बोरोइंग्स इन द सेंस क्योंकि कुछ प्रोविजंस जो है जैसे कि DPSP का प्रोविजन जो है आपका इधर देखिए आयरलैंड से लिया था ऐसा टाइप से बहुत सारा प्रोविजन जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से लिया है आपका और दिस प्लानिंग द सिस्टम ऑफ योर प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम योर रशिया जो USSR से था तो ऐसे टाइप से इसको बोलते हैं और मिक्स अप ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसको बाद में अमेंडमेंट का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेगा तब समझ में आएगा कुछ प्रोविजन बहुत रिजिड है जैसे कि अगर आपको स्टेट का जो ना इफ़ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट और बॉर्डर ऑफ द स्टेट इट इज़ फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि उसमें सिर्फ पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है लेकिन When you try to amend the federal structure से related कुछ भी वो लगने से उसका amendment procedure बहुत ही rigid है so इसलिए mix of rigidity and flexibility है तो and इसका बाद other features है so one more feature of Indian constitution is there it is mixture of federalism and unitary system so in federal system like constitution supremacy division of power वगैरह these things are there and independent judiciary these things are there but it has also got some unitary features like जो कि अपना integrated civil services system है
इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड है जो प्लानिंग वाला सिस्टम था पहले, एंड देन आर्टिकल 3 जो 65 356 वगैरह जो है, गवर्नर्स रूल वगैरह, दो सर बेसिकली द इमरजेंसी का प्रोविजन सब जो है, सो दो सर यूनिटेड इन नेचर, सो वी विल सी इट लेटर। इसके बाद जो इंडिया गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एस यू ऑल नो, एंड देन द सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोब्रिनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है। इट मीन्स दैट पार्लियामेंट तो सोब्रिन है बट एक जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है जिसके जुडिशियल रिव्यू का थ्रू से पार्लियामेंट का लॉ जो भी बनाएगा उसको रिव्यू कर सकता है जुडिशियरी। सो दिस इज द सिंथेसिस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोब्रिनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉस, सो दे कैन मेक एनी लॉस, दे आर सोब्रिन इन दैट सेंस, बट जुडिशियरी कैन अगेन रिव्यू दोस लॉस, सो अंडर जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो दिस इज द सिंथेसिस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सोब्रिनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इन द सेंस कि जैसे कि द हेड ऑफ द जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट जो है, हेड ऑफ ऑल द कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट जितना है, जो सुप्रीम कोर्ट मेन कोर्ट है सबके लिए, इसके बाद अपना स्टेट में हाई कोर्ट है, बट सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ ऑल द कोर्ट। तो इसके बाद एंड देयर इज प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज यू ऑल माइट नो, एंड देन देयर इज लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो विच इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि नेसेसरी डायरेक्टिव्स है स्टेट्स को कि दे शुड फॉलो दिस डायरेक्टिव्स इन मेकिंग लॉज एंड जो पी मीन्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, दे शुड फॉलो दिस डायरेक्टिव्स। सो दिस आर नॉट नॉन ज्यूडिश, दिस आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वो सेकुलर स्टेट है, द स्टेट डज नॉट प्रीफर एनी रिलीजन और गिव एनी स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी रिलीजन और डज नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजन, सो सेकुलर स्टेट है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकुलरिज्म इन स्पेसिफिक टर्म्स बिकॉज इस ये वर्ड को स्पेसिफिकली मैंशनड है उसमें भी, सिलेबस में भी। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप सिंगल है, दो सिटीजनशिप नहीं हो सकता, इंडियन सिटीजनशिप हो सकता है लेकिन अरुणाचल सिटीजनशिप नहीं हो सकता, सो इट कैन बी लाइक दैट, वी आर जस्ट इंडियन सिटीजन्स। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स से ऊपर वाला को वोट देने का राइट है। तो सी ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब से आया था, 21 से 18 ईयर्स कब हुआ, यू जस्ट सर्च इट फॉर योर कन्वीनियंस। और इंडिपेंडेंट बॉडीज बहुत सारा है इसका अंदर, इंडिपेंडेंस बॉडी इन द सेंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ऐसा वाला बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इसके बाद और जैसे UPSC है, तो दिस थिंग्स आर देयर। एंड देन इमरजेंसी प्रोविजंस, पहले जो बोला था इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है जिसका पावर प्रेसिडेंट का हाथ में है। एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ थ्री टायर गवर्नमेंट इन द सेंस योर एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड एट द पंचायत लेवल। सो दिस इज थ्री टायर लेवल, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। So these are the salient features of the constitution. You should remember this salient features. By heart this salient features की क्वेश्चन भी आ जाता है मेंस में भी, salient features लिखिए बोल के, तो याद रहना चाहिए, एक एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखने से भी आपका आंसर हो जाता है आराम से। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है जो बैग ऑफ बोरोइंग्स क्यों बोलता है इंडिया को, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पहले भी बताया था कल, 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उससे लिया है। तो उससे क्या क्या है, योर फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US से क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ऑफ राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, योर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सो दिस प्रोविजंस वेर टेकन फ्रॉम योर USA। तो UK से आया पार्लियामेंट्री मॉडल, कैबिनेट सिस्टम, रिट ज्यूरिडिक्शन प्लस स्पीकर वाला भी आया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से आया है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पहले बताया था, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है हम लोग का यहाँ पे वो आया है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा से आया है, जो रेसिड्यूरी पावर जो रहता है अपना सेंटर का पास, वो वाला पावर्स, इसका MP MLA का जो प्रिविलेजेस है बाद में हम लोग जो पढ़ेगा, तो दोस पावर्स आर फ्रॉम दिस। एंड द USSR से आया है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से आया है, कॉन्करेंट लिस्ट का जो है, जो तीन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट का इससे आया है। इसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि कुछ बिल पास नहीं होने से, तो उसका जॉइंट सिटिंग जो करता है उसका
ऑस्ट्रेलिया से आया है. सो वी विल रीड अबाउट दिस जॉइंट सिटिंग लेटर इन द चैप्टर ऑफ पार्लियामेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आया इमरजेंसी प्रोविजंस. इसके बाद साउथ अफ्रीका से आया योर प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो साउथ अफ्रीका से लिया है. सो इसको ऐसे बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल टू लॉयर्स पैराडाइज भी बोला है. आइवोरी जेनिंग ने बोला था. क्यों बोला था उसको आप लोग एक बार ढूंढ के देखें. तो ये प्रियम्बल का चैप्टर है नेक्स्ट. तो प्रियम्बल का हम लोग कल कर लेगा शॉर्ट उसमें वीडियो में. ओके, थैंक यू.